एरे फॉर्मूला हमारा आज का टॉपिक है और एरे की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ बात की कि एरे के बेसिकली तीन मेन मेजर जो तीन जो है वो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन एंड स्टोरेज, राइट। आप कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जिससे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैलकुलेशन वगैरह को समझेंगे। ओके सर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाला हुआ और यहाँ पे हमने इसकी एमआरपी डाली हुई। अब कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस फॉर्मूले हैं ताकि एरे को समझे आप, राइट सर। अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट मतलब कि मैं करना चाहता हूँ कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआर, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और फिर नीचे करके फीस का टोटल निकालना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए हमें कई सारे सेल्स, कई सारे नई कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम जो है यहां सम और हम इसको सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय, वापस इसको सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे, आ गई टोटल सर। हालांकि इसको सम प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है। सम प्रोडक्ट एक होता है जो कि मल्टीप्लाई है दोनों करता है, लेकिन सम प्रोडक्ट सिर्फ इसी का काम करता है, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एमआरपी नहीं है, यहाँ पे एमआरपी नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे मुझे इसका एवरेज निकालना है, किसका रेट का एवरेज, मतलब कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और यहाँ पे रेट का एवरेज आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम नॉर्मली अगर करते हैं तो ठीक है, यहाँ एवरेज आ जाता है, राइट सर। लेकिन मुझे इसके लिए इतना रखना पड़ता है, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज हमने दैट इज डिवाइड बाय इसको सिलेक्ट कर, ये एवरेज निकाल। इसी तरह से आप काउंट, सम, मैक्स, मीन सब निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एरे फॉर्मूला वहीं पे लगाते हैं जहां पे रिजल्ट उसका नंबर आता है, समझ गया? नंबर वाले सिस्टम पे ही वर्क होता है। क्या हम टेक्स्ट में नहीं कर सकते? ये टेक्स्ट में भी हम करते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग करके। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लिस्ट ऑफ द नेम है, लिस्ट ऑफ द नेम है और मैं चाहता हूं कि मैं इन सबको कंबाइन करना चाहता हूं, लेकिन कंबाइन करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि सबों का लेंथ कितना हो। तो जनरली हम क्या करेंगे, लेन का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। लेन के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको लगा के फिर इसको सम करेंगे। लेकिन ऐसा ना करके हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं इक्वल सम लेन और हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर, यहाँ पे 36 आ। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होगा अगर आप लोअर वर्जन में यूज करते हैं तो। अपर वर्जन तो ठीक है, लोअर वर्जन में तो यूज करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होगा। अच्छा मान लीजिए तो वो 36 क्या आया है, मतलब इन तीनों का 36 इन सबों का लेंथ है, लेंथ अच्छा, लेकिन अलग अलग पूजा का 8, मोहन का 6 सबको जोड़ के। अच्छा अच्छा, इसने क्या किया, इसने सबका लेंथ निकाला, क्या निकाला, लेंथ और फिर इसको सम कर दिया। अच्छा इन सबको जोड़ के 36 होता है, जी जी समझ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे हाईएस्ट, हमें इसमें सबसे बड़ा नेम कौन सा है ये पता कर। अब देखिए जब भी आप इस तरह का काम करें तो अगर एरे समझ में ना आए कि कौन सा एरे यूज करूं, कैसे एरे यूज करूं, तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे नॉर्मल एक्सेल का कंसेप्ट। जैसे कि हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला लेन का, लेन फॉर्मूला लगाने के बाद फिर करेंगे इसमें मैक्स का, ठीक है सर,
मैक्स लगा के इसकी मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे, फिर लगाएंगे फॉर्मूला मैच का, और इसमें से मैच करेंगे कि भाई सो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितने नंबर रो पे है, 3 पे है। उसके बाद हम यहाँ इंडेक्स या ऑप्शन का फॉर्मूला लगा के 3 नंबर रो का डेटा लेंगे, मतलब कि कविता इज द हाईएस्ट नंबर। अच्छा मान लीजिए मैं ओम प्रकाश कर देता हूँ, अब ओम प्रकाश इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नेम, समझे? तो मैनुअल आपने समझ गया कि मैनुअल कैसे निकला है। अब जो मैनुअल निकला है इसको अब मुझे एक सेल में एरे के जरिए लगा निकालना है। तो कैसे निकाले एरे के जरिए, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। सबसे इंडेक्स है मैच, मैच से शुरू करेंगे, क्योंकि तो हमने बताया था आपको कि हम एरे में उसी को लगाते हैं जिसका रिजल्ट नंबर है। तो मैच का रिजल्ट हमेशा नंबर आता है। तो यहाँ हम लगाते हैं मैच का फॉर्मूला, मैच के फॉर्मूले में लगाते हैं मैक्स का फॉर्मूला, और मैक्स के फॉर्मूले में लगाते हैं लेन का फॉर्मूला। इससे क्या निकल गया कि भाई हमें ढूंढना किसको है, अब हमके ढूंढना किस में है, तो वापस लैन का फॉर्मूला और कॉमा 0 4 एग्जैक्ट मैथ। आप देखेंगे कि ये 6 आ गया, और फिर इसको इंडेक्स में तो डाल ही सकते हैं ना, लेकिन आप कंफ्यूज है कि आखिर काम कैसे कर रहा है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पे जाना है, एवलेट फॉर्मूला। अब यहां देखिए कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है। हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला, इसमें मैक्स का फॉर्मूला चला, मैक्स पहले लेन का चला, लेन ने क्या दे दिया, नंबर दे दिया, मैक्स ने इसमें से मैक्सिमम नंबर निकाल दिया 9। फिर लेन ने क्या किया, लेन ने फिर वापस सारे नंबर्स दे दिए जो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैच जो है 9 को इसमें ढूंढेगा, 9 को ढूंढने के बाद उसको क्या मिला, 9 मिला 6 नंबर काउंटिंग पे, तो ये 6 दे दिया। मतलब कि अगर मैं इसको आप इंडेक्स के अंदर में डाल दूंगा, तो हमारा लॉन्गेस्ट नेम निकल जाए। समझ में आया सर? अब आपके ऊपर है कि आप सिंपल ए अलग अलग ऐसे माने कि फॉर्मूला लगाएं या एक सिंगल फॉर्मूला लगाएं। सुरेश जी समझ में आ रहा है आपको? इसमें सर कैरेक्टर तो 8 है ओम प्रकाश में, बट दिखा 6 रहा है। एक करेक्टर नहीं दिखा रहा है, एक पोजीशन दिखा रहा है कि यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। मैच क्या रिजल्ट देता है, इसने क्या दिया, मैच दिया है ना सर। ओके सर, ये देखिए क्या उस द्वारा पर ये सब हमने क्या किया, इंडिविजुअल सबका नंबर ऑफ करेक्टर निकाला, फिर हमने मैक्स निकाल के देखा कि इसमें सबसे बड़ा करेक्टर कौन सा है, फिर उस बड़े करेक्टर का हमने रोन इंडेक्स नंबर निकाला कि भाई है कितने नंबर पे, और फिर उससे हमने उसकी वैल्यू को निकाल ली। अब समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर, यस सर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास दो लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2, और मान लीजिए कि दोनों लिस्ट सिमिलर है, ऐसे दोनों लिस्ट मेरा सिमिलर है, एक जैसे, अलग अलग नहीं है। अब मुझे बस चेक करना है कि दोनों एक जैसा है या नहीं है, कोई तो डिफरेंस तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे ना यहाँ पे ऐसे, इज़ फिर देखेंगे कोई फॉल्स तो नहीं है। अगर कोई फॉल्स नहीं है इसके मतलब कि ना मैंने कि कोई डिफरेंस नहीं है, अगर कोई फॉल्स आया तो मतलब कि एक डिफरेंस है, राइट। अब इसी को करने के लिए मैं करूंगा सम। सम में हमने इसको लिया और इक्वल कर दिया किसको, इसको। अब रिजल्ट 0 आया ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे 96 को 69 कर देता हूँ, फिर भी रिजल्ट 0 ही आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सम का फॉर्मूला है ना वो ट्रू फॉल्स को सम तो नहीं करेगा, हमको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना या फॉल्स मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया,
अभी आ गया जीरो। अब 90 से अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 74 करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना भूल गया था, सॉरी भाई। अब प्लीज शोर आ रहा है बैकग्राउंड से सुरेश जी। इंटू हाँ सर, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया, मतलब ब्राइकल को फॉलो नहीं किया, नहीं किया इधर 30 के बाद। हाँ अब आ गया 7। हेलो हाँ बोलिए। अब 7 आया, आप बता कि 7 मैच कर रहा है, लेकिन हमें 7 मैच कर रहा है ये तो नहीं दे चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि भाई कितने मैच नहीं कर रहे हैं। यस सर, कैसे करेंगे सर? तो कुछ नहीं सर, मुझे इसको नॉट में डाल देना है। इसमें डाल देना है नॉट। नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अब आ गया ना कि एक मिसमैच है। अब मैं इसमें 96 कर देता हूँ, मतलब कि 0 96 0 मिसमैच। तो कैसे वर्क कर रहा है इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ट्रू 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 दिखा, इसने क्या किया, नॉट ने क्या कर दिया, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, राइट। फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फॉल्स तो 0 है ना, और जाहिर सी बात है ये तो हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था, उससे पहले पहली क्लास में ही पढ़ा होगा जब मल्टीप्लाई सीखा था कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन हमको तो पढ़ाया कुछ और गया था, हमको पढ़ाया गया था कि बेटा लड्डू से मल्टीप्लाई करने पर लड्डू ही आता है। ठीक है, यस सर, क्लियर है? ओके सर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो होगी सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तो है, लेकिन इसे मान लीजिए कि 25 ऊपर है और 85 नीचे है तो दोनों नंबर क्या बराबर? 7 7 मैं डुप्लीकेट इसी हटा देता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 मिसमैच दिखा रहा है ना सर। मैं कहता ऐसा ना हो तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया काउंट इफ का, किसका? काउंट इफ, काउंट इफ। हमने बोला कि इसमें इसको काउंट करो तो रिजल्ट क्या आया, 2 2 2 2 1 1। अब 2 क्यों आया इसमें, 90 से कोई नंबर डुप्लीकेट ही है क्या? अब सारा 1 1 1 आ रहा है ना सर। तो इसी को सम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सम, सम कर लिए। तो सम करने पे रिजल्ट क्या आया, 8 आया ना सर। अब आप इसमें इक्वल कर सकते हैं काउंट, और काउंट में मैंने दे दिया इन, तो क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू। और 9 9 को 90 कर दो तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे मैच नहीं। अब इसमें और भी कर सकते हैं कितने अनमैच है, इसके लिए ग्रेटर देन सिस्टम आप अप्लाई इसमें आगे कर सकते हैं। इतना चीज तो ध्यान आप आपको खुद से कर देना पड़ेगा, खुद से इसको दीजिएगा, ठीक है सर। तो इस तरह की चीजें करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज और करना चाहता हूँ कि मैंने लिख दिया 852। अब मुझे इसके डिजिट्स को आपस में करने हैं सम।
मतलब इसको करने हैं इक्वल 8 5 इक्वल टू इस तरह से, तो क्या आया 15 आया, आया 15 समझे। तो कैसे होगा, तो हम पहले यहां पे हमने बताया था कल मिड का फॉर्मूला, मिड का फॉर्मूला इसको 1 2 3 कर देंगे तो अलग अलग कॉलम में कर देगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, हमने नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है सर, अब इसी को मैं यहां पे सम कर दिया तो सम हो गया, तो रिजल्ट 0 आ रहा है, ऐसा क्यों। चलिए एवेलेट करते हैं, अब मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सम 0 क्यों दे रहा है। प्रशंसा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सम 0 क्यों दे रहा है, 852 को सम क्यों नहीं कर पा रहा। सर इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना, एट अलग फाइव अलग टू ही है को ना एक साथ ऑलरेडी, मिला के वो अलग अलग है ना, देखिए यहाँ पे 852 अलग अलग है ना, बीच में वो अपोस्ट्रोफिस दिखा रहा है ना, तो क्या उसको हम जब दिखा तक एक साथ इवेलुएट नहीं करेंगे 852 के बीच का जो है। नहीं मैम, लग रहा है कि आप अभी तक आप जो है एक्सेल की प्रॉपर्टी को समझे नहीं। सुरेश जी आप बताइए, चिंटू जी आप ही बता सकते हैं, आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। सर पता होता तो मैं बता ही देता। अच्छा इसलिए चुप थे ना, ये 852 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लग रहा है ना, जी इन्वर्टेड कॉमा अंदर में क्या आता है, वो टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट टेक्स्ट आता करते है। हैं। सम करेगा नहीं सिंपल सर मैंने सा, तो वही बोला कि बीच में वो है, मतलब वो इन्वर्टेड आप लोग कॉमा मैंने इसको बोला अलग थ्री अलग फाइव करना पड़ेगा, इसके बीच में कुछ हाँ आ इन्वर्टेड कॉमा में, रहा तो इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट में आता है, मतलब टेक्स्ट का वैल्यू देगा तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए मिड को हम वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। क्या करता है वैल्यू फॉर्मूला, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए सम हो गया, जी। अब वैलिड फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हो गया 852 आ गया, अलग अलग विदाउट यस इनवर्टेड कॉमा सम आ गया। यस अच्छा अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि एरे इज नॉट ए लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है, तो उसमें एग्जांपल मैं देते जाऊंगा तो कभी खत्म होने वाली बात नहीं है, एक आध 2 साल तक आराम से चलता रहेगा। इसमें आपको देखना है कि ऐसे लगेगा कैसे, मगर एक आध 2 साल ज्यादा लग का सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। इतना अरे बाप अरे पूरा एक्सेल का इसमें आ जाएगा, अरे में अलग ये अलग लगाओ तरीके हैं, वो आप लगाओ इसके ऊपर इसका एक इसका इसके ऊपर तो एक ग्रंथ है, नहीं। बताते हैं आपको, इसके ऊपर एक ग्रंथ है, ये रहा दिख रहा है आपको, इसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 17 MB की फाइल है, अच्छा अरे दिख रहा है, बाबा तीन सौ तिरपन पेज का बुक है, रे बाबा बंद कर दीजिए ये सारा एरे पे है, कैसे एरे परफॉर्म होता है उसी एरे पे है, देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए अब एक ही में कितना कितना एग्जांपल आ गया, 9 आ गया, आया कि नहीं। हाँ सर देख पा रहे हैं कितना एग्जांपल्स है, अब आप यार इसके आपको पढ़ने के बाद आप पढ़ने के लिए टाइम है तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं कि सर इतना कौन पढ़ेगा। आपकी ईमेल आईडी क्या है, अच्छा आ जाओ। अब मुझे क्या आपको क्या करना है इसमें, ये जो नंबर दिख रहा है ना, अभी देखिए अभी तीन ही को तीन डिजिट को ही सम कर रहा है, और मैं जैसे इसको कॉमा करके फोर करूंगा तो 4 डिजिट को करेगा, तो हर बार मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा ना। सो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना है जो जितना डिजिट हम लिखे उतना डिजिट ऑटोमेटिक सम कर दे,